जरा सोचो, एक चूसली सा कमजोर आदमी खुद को जेल में बचाए रखने के लिए जबरदस्त ट्रेनिंग करके फौलाद की औलाद बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम स्टैन मिंटन नाम के एक धोखेबाज प्रॉपर्टी डीलर को देखते हैं, जिसके पास अंधा पैसा और उसे बहुत प्यार करने वाली एक खूबसूरत बीवी है। स्टैन अक्सर लोगों को फुद्दू बनाकर उन्हें सस्ती जमीनें महंगे दामों पर बेचता था, और ऐसे ही लोगों को पागल बनाकर वो धीरे धीरे इतना अमीर हो गया। लेकिन एक दिन उसे धोखाधड़ी के चक्कर में पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर मुकदमा चला और जज ने उसे 3 साल कैद की सजा सुनाई। जेल जाने से बचने के लिए उसने अपने वकील को जज को घूस देने को कहा, क्योंकि उसके खिलाफ काफी सबूत थे तो जज उसे बाइज्जत बरी तो नहीं कर सकता था। उसने स्टैन को 6 महीने का समय दिया कि वो अपने सारे अधूरे काम निपटा ले, लेकिन उसके बाद उसे जेल जाना ही होगा। वकील ने स्टैन को सलाह दी कि इन 6 महीनों में सारे पैसे लेके किसी और देश में भाग जाओ, लेकिन उसका सारा पैसा बैंक ने फ्रीज कर दिया था। तो अब स्टैन के पास 6 महीने डर में गुजारने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी मिंडी ने कहा कि वो एक बच्चा चाहती है, ताकि स्टैन के जेल में जाने के बाद उसे अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन स्टैन को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो वो कहने लगा कि क्या फायदा, जब मैं वापस आऊंगा फिर कहाँ फेंकेंगे उसे। बच्चा परमानेंट होता है, उसके पिछवाड़े पे मार के भगा नहीं सकते उसे कि चल भाई अपना देख ले। ये सुनते ही मिंडी गुस्से में बाहर चली गई और स्टैन शराब पीने निकल गया। वहाँ उसे एक आदमी दिखा जिसने जेल वाला टैटू बना रखा था। उसने जेल के बारे में और जानने के लिए आदमी को $100 दिए। आदमी ने उसे बताया कि जेल के गार्ड्स को कैदियों और उनकी लड़ाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने स्टैन के नाजुक बदन को देखकर कहा कि तू कहाँ जा रहा है जेल में, दिन रात गुलू गुलू करेंगे तेरे साथ और कोई नहीं आएगा बचाने। उसने सलाह दी कि थोड़ा खूंखार दिखने के लिए टैटू बनवा ले शरीर पे। इस बात पर स्टैन कहने लगा, है ना टैटू, ये देख। दरअसल स्टैन ने अपनी माँ का टैटू बनवाया हुआ था, जिससे वो खूंखार तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि अगर स्टैन जेल में सुरक्षित रहना चाहता है तो पहले ही दिन जाकर वहाँ के सबसे तगड़े कैदी को ढेर कर दे, इससे उसका दबदबा बन जाएगा और कोई उसके आसपास आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन अपने 1.5 फुट कमजोर शरीर के साथ वो ऐसा कैसे करेगा, ये तो भगवान ही जाने। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत खुश हुआ। उसे लग रहा था कि ये सब तो बस एक सपना था, लेकिन मिंडी ने उसे याद दिलाया कि बाबू जेल तो जाना पड़ेगा आपको। मिंडी ने उसकी हौसला अफजाई की, जिसके बाद स्टैन ने ठान लिया कि अगले 6 महीने के अंदर वो ब्रूसली का बाप बन जाएगा। वो हर दिन कसरत करने लगा और उसने कई टैटू भी बनवा लिए। उसने कराटे सीखना भी शुरू किया, लेकिन जल्द ही वो बोर हो गया। पापा, इसका कुछ नहीं हो सकता। उसने टीचर को ही चुनौती दे डाली और कुछ बच्चों के साथ उसकी हाथापाई हो गई, जिस वजह से उसे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। तब उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े आदमी से, जिसका नाम है दी मास्टर। उसने दीवार में एक मुक्का मारकर ही छेद कर दिया, जिससे स्टैन के तो होश उड़ गए। जेल जाने से पहले अगर वो फौलाद की औलाद बनना चाहता है तो स्टैन के पास मास्टर से सीखने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उसे अपने साथ घर ले गया। लेकिन ये बात मिंडी को कुछ खास पसंद नहीं आई। ट्रेनिंग के पहले दिन ही मास्टर ने सुबह 5 बजे स्टैन के मुंह पर खून डालकर उसे जगा दिया। फिर मास्टर ने मिंडी को अजीबोगरीब जानवरों का जूस बनाकर स्टैन को देने को कहा। मास्टर के सिखाने के तरीके बिल्कुल अलग थे। कभी वो स्टैन को आग लगी हुई लकड़ी से पीटता, तो कभी नाजुक जगहों पर चिमटियां लगाकर लटका देता। खाने में भी बेचारे स्टैन को सांप और बिच्छू ही मिलते थे। मिंडी अब मास्टर से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने स्टैन से कहा कि वो मास्टर को भगा दे यहाँ से। उस रात स्टैन ने घर पर चोरी होने का नाटक किया, ताकि मिंडी उसके डर को समझ सके। जब मिंडी को पता चला कि ये सब एक ड्रामा था, तो उसने गुस्से में उसी वक्त अपना सामान बांधा और वहाँ से निकल गई, क्योंकि अब वो स्टैन के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। उसके जाने से मास्टर तो बहुत खुश हुआ। अगले 5 महीने तक स्टैन ने लगातार बिना रुके खूब मेहनत की। आखिर तक तो वो मास्टर का ही मुकाबला करने को तैयार हो गया था। अपनी काबिलियत आजमाने के लिए वो उसी कराटे टीचर को फिर से चुनौती देने गया। स्टैन ने उसे चुटकियों में हरा दिया और इसी तरह उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। फिर मास्टर और वकील उसे कोर्ट तक छोड़ने गए। मिंडी ने अब तक उससे बात नहीं की थी, लेकिन वो भी छिप कर उसे देखने आई। आखिरकार वो अंदर गया और सारे कैदी एक बस में बैठकर जेल के लिए निकल पड़े। जब बस में एक आदमी ने उसे गलत जगह छूने की कोशिश की, तो स्टैन ने उसकी पुंगी बजा दी। जेल में उनका स्वागत किया वार्डन गैस्क ने, जिसने साफ सीधे तौर पर कहा, देखो बेटा, किसी भी गार्ड को परेशान मत करना। अगर तुम हमें परेशान करोगे तो हम तुम्हें परेशान करेंगे। बाकी आपस में जो करना है तुम करो, लेकिन भागने की कोशिश मत करना, वरना पिछवाड़े पे गोली मार दी जाएगी।
ठीक है। कैदियों की चेकिंग के दौरान उन्हें अपने पूरे कपड़े उतारने को कहा गया, लेकिन जब स्टैन की बारी आई तो उसका पिछवाड़ा देखकर सारे गार्ड्स डर गए। इसके बाद स्टैन अपने कमरे में गया जहां उसे लैरी नाम के एक आदमी के साथ रहना था। स्टैन ने धमका कर लैरी को नीचे का बेड लेने को कहा। बाद में लैरी ने उसे जेल की अलग अलग गैंग्स के बारे में बताया। वहां का सबसे खूंखार कैदी था बिग रेमंड। वो अपने से कमजोर कैदियों के साथ गुलू गुलू करने के लिए बहुत बदनाम था। रेमंड एक कैदी को धमका रहा था कि स्टैन ने उसे सबके सामने चुनौती दे दी। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और स्टैन ने मास्टर की सिखाई हुई तकनीक से एक एक करके उसकी सारी उंगलियां तोड़ डाली। लड़ाई के दौरान उसने न सिर्फ रेमंड को बुरी तरह हराया बल्कि उसे सबके सामने शर्मिंदा भी कर दिया। उसकी काबिलियत देखकर एक ग्रुप के लीडर ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसको तो स्टैन ने बिना ही बात के पेल दिया। इसके बाद रेमंड का बदला लेने के लिए उसकी गैंग वालों ने मिलकर स्टैन पर हमला कर दिया, लेकिन उसने अकेले ही मजे लेकर सबको पीट दिया। गार्ड्स दूर खड़े ये सारा तमाशा देखते रहे और स्टैन ने सबकी पुंगी बजा दी। इसके बाद तो पूरी जेल स्टैन से डरने लगी। वो जहाँ भी जाता कैदी उसके लिए रास्ता छोड़ देते। वो सब उसे बिग स्टैन के नाम से बुलाने लगे। फिर रॉबी नाम का एक कैदी उसका शुक्रिया अदा करने आया क्योंकि उसने रेमंड से उसकी जान बचाई थी। लेकिन स्टैन ने जवाब में कहा कि ये सब मैंने सिर्फ अपने लिए किया है, तुम्हारी किसी की मदद नहीं कर रहा था मैं। बाद में वार्डन ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि उसने जानबूझकर स्टैन को अपनी जेल में बुलाया है। असल में वार्डन जेल की सारी जमीन पर कब्जा करने की सोच रहा था। क्योंकि स्टैन को जमीन की खरीद फरोख्त की पूरी जानकारी है तो वार्डन चाहता था कि स्टैन कागजों में कोई घपला करके उसकी मदद कर दे। बदले में वार्डन ने उसे एक साल के अंदर रिहा करवाने का वादा किया। स्टैन को उसका आइडिया पसंद आया और वो उसकी मदद करने के लिए मान गया। उसने वार्डन से पूछा कि वो जेल को बंद कैसे करवाएगा, लेकिन वार्डन ने इस बात को राज ही रखा। उधर जेल के सभी गुटों ने आपस में हाथ मिलाकर स्टैन को सबक सिखाने की सोची। एक दिन पैटरसन ने उस पर चाकू से हमला कर दिया जो उसने ब्लेड और ब्रश से बनाया था। बदले में स्टैन ने भी अपने साबुन से बने नंचक्स निकाले और पैटरसन के छक्के छुड़ा दिए। स्टैन को अपनी बीवी की बहुत याद आ रही थी तो उसने वकील से मिंडी के बारे में पूछा। वकील ने कहा कि मिंडी ने अब तक तलाक के कागज तो नहीं भेजे हैं, मतलब अभी भी चांस है। इसके बाद स्टैन ने वार्डन का काम शुरू कर दिया। फिर उसकी मुलाकात डैंग नाम के गैंगस्टर से हुई जो जेल पर कब्जा करने में वार्डन की मदद कर रहा था। स्टैन ने उनकी बातें सुन ली और उसे पता चला कि वो कैदियों को आपस में लड़वा कर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने की फिराक में है। इतना बड़ा कांड होने के बाद सरकार को ये जेल बंद करनी ही पड़ेगी। स्टैन ने सोच लिया कि वो सभी कैदियों की जान बचाकर रहेगा, फिर चाहे वो उसके खून के प्यासे ही क्यों ना हो। अगले दिन उसने सबको इकट्ठा करके कुछ नियम कानून बनाए। पहले तो उसने सारी फाइटिंग मूवीज और गेम्स को हटा दिया क्योंकि वो कैदियों पर बुरा असर डाल रही थी। इसके बाद उसने साफ कर दिया कि कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेगा, अगर करना है तो आपस में प्यार से, ठीक है, मंजूरी के साथ। देखते ही देखते खूंखार दिखने वाले बिग रेमंड ने एक दूसरे कैदी के साथ जोड़ी बना ली। वाह, क्या जोड़ी है। फिर लंच के दौरान रॉबी और कुछ आदमी उसका शुक्रिया अदा करने आए। स्टैन ने फिर से कहा कि वो तो सिर्फ अपना दबदबा बना रहा है, लेकिन रॉबी जानता था कि स्टैन को कैदियों की परवाह है। उधर बिग रेमंड और उसका नया बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसके बाद स्टैन को मिंडी का खत मिला। उसने स्टैन को माफ कर दिया था और अब वो उससे मिलना चाहती थी। अगले कुछ दिनों में जेल में कोई भी लड़ाई होती तो स्टैन सुलह करवा देता। धीरे धीरे सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। एक दिन मिंडी उससे मिलने आई और दोनों ने प्यार भरे कुछ पल साथ गुजारे। वहीं वार्डन को स्टैन के कारनामों के बारे में पता चल गया। कैदियों के बीच फैलते प्यार को देखकर वो गुस्से से भर गया। उसने गार्ड्स को भेजकर जल्दी से स्टैन को अपने पास बुलवाया। वार्डन ने स्टैन को उसका प्लान बर्बाद करने के लिए जान से मारने की धमकी दी। ऊपर से अगर वार्डन चाहता तो स्टैन की सजा को बढ़वा भी सकता था। स्टैन ने अगले दिन अपने वकील से पूछा कि क्या करना चाहिए। वकील ने उसे समझाया कि जेल में वार्डन से ऊपर कोई नहीं होता, अगर उसने पूरी रिपोर्ट दे दी ना तो जेल से कभी नहीं निकल पाएगा। इसके बाद स्टैन ने जाकर सभी कैदियों को कह दिया कि अपनी लड़ाइयां खुद सुलटाओ भाई, और अब से मेरा बनाया हुआ कोई रूल मानने की जरूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही फिर से लड़ाइयां शुरू।
शुरू हो गई। रॉबी ने स्टैन से बात करने की कोशिश की, लेकिन स्टैन ने टेबल से उसका खाना गिराकर उसे भगा दिया। अब तो लैरी को भी स्टैन की हरकतों पर गुस्सा आ गया, लेकिन स्टैन ने उसे रोककर धीरे से कहा कि दोपहर के समय लोहे की तारों से दूर रहे। लैरी को एहसास हुआ कि स्टैन को जबरदस्ती कुछ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इसलिए लैरी ने सारे कैदियों को चौकन्ना कर दिया और सब मिलकर कुछ तरकीब लगाने लगे। उधर वार्डन ने स्टैन को बड़े अफसरों से मिलवाया ताकि उसकी रिहाई जल्दी हो सके। वार्डन चाहता था कि जेल के बाकी अफसरों के सामने ही कैदियों में भयंकर लड़ाई हो जाए। वो दोपहर को लोहे की तारों के पास अपने प्लान को अंजाम देना चाहता था। ज्यादातर कैदी दोपहर के वक्त ही लड़ते थे, इसलिए वो उस वक्त अफसरों के सामने कुछ कैदियों को गोली मारना चाहता था। उधर स्टैन अफसरों के सामने बेकार कैदी होने का नाटक करने लगा ताकि वो जल्दी से उसे कमरे से बाहर फेंक दे। वहाँ से भागकर वो वार्डन के प्लान के बारे में सभी कैदियों को बताना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसे डैंग ने रोक लिया। डैंग ने बताया कि उसने भी लड़ाई मास्टर से ही सीखी है और वो पहला आदमी था जिसे मास्टर ने अपनी कला सिखाई थी। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और डैंग स्टैन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन आखिर में स्टैन ने जबरदस्त तरीके से उसे चित कर दिया। उधर सारे कैदी अब हथियार लेकर इकट्ठा हो चुके थे। गार्ड्स भी उन पर गोलियां चलाने को पूरी तरह तैयार थे, लेकिन ये क्या, कैदियों ने तो मैक्सिकन गानों पर नाचना गाना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर वार्डन ने बंदूक से अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। सभी अफसरों ने उसे बिना बात कैदियों पर गोलियां चलाते देखा। अब उसका जेल में जाना तो तय था, लेकिन जाने से पहले वार्डन स्टैन को जान से मारना चाहता था। अचानक ऐन वक्त पर मिंडी ने उसकी जान बचा ली। पता चलता है कि वो भी पिछले 6 महीनों से मास्टर से ट्रेनिंग ले रही थी। इस घटना के 3 साल बाद स्टैन की रिहाई हो गई। बाकी कैदियों ने उसे अलविदा कहा और पैटरसन ने तो उसका टैटू तक बनवा लिया था। मिंडी और मास्टर उसे उनकी 3 साल की बच्ची के साथ घर ले जाने आए और इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस मास्टर से जोरदार ट्रेनिंग लेना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।